मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, और ये अध्याय जो 5 है, भारत में ब्रिटिश राज का जो आर्थिक प्रभाव, इसमें जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था जो कि सारा करवा दिया गया, और 8 क्वेश्चन और बचा था जो कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये अध्याय जो आज समाप्त हो जाएगा, और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारा क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि एस के पांडे किताब से ये सारा क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से एक जो नहीं है, आपको क्या बताना नहीं है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योगों की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से जो है नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग काफी विकसित था, ठीक है, परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, तो आपका सी आंसर आपका किया जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था, तो आपको बताना है आपदा का जो है महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो 1866 से जो 1867 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था, ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 1866 से 1867 में जो उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था, ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया है, 1834 ईस्वी में किसने कहा था, सूती वस्त्र बुनकरों के कलंक भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। तो 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के जो है कंकाल भारत के जो मैदानों को जो बदरंग कर रहे हैं, ये किसने कहा था, ये आपको बताना, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो पूछ सकता है। तो इसको कहे थे जो है, ये आपका बी आंसर आपका क्या जो राइट है, विलियम बैटिंग ने कहा था, ठीक है। विलियम बैटिंग ने क्या था, सूती वस्त्र जो बुनकरों के कंकाल भारत के जो मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, ये विलियम बैटिंग ने कहा था, ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये आपका दिया है, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था, तो ब्रिटिश शासन जो है भारत से जो निकलने वाला खून का एक दरिया किसने कहा था। और ये जो है अध्याय 5 जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, तो ये आपको इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं जो आता है, वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने कहा था, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था, दादाभाई नौरोजी ने कहा था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है, लंकाशायर की सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन हुआ, तो आपको बताना है लंकाशायर की सूती वस्त्रों का जो है भारत में पहली बार प्रचलन हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो क्या होगा, तो ये हुआ था 1815 में, तो यानी सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो लंकाशायर की सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन जो है हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन क्या दिया आपका, तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों में सर्वप्रथम किसने निरूपित किया, तो आपको बताना है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था, तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर जो क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को जो सर्वप्रथम किसने निरूपित किया है, तो कार्ल मार्क्स ने किया, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। और ये हम 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका क्या दिया है, तो बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से दो वर्ग बने जो थे, तो आपको बताना है बंगाल के जो अस्थायी बंदोबस्त से जो दो वर्ग बने थे, ठीक है, वो आपको बताना है कौन सा वर्ग जो दो बने थे ये बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, शोषण और शोषित बना था, ठीक है, शोषक और शोषित बना था, ये आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका 8वां और आखिरी क्वेश्चन दिया है अध्याय 5 का, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में जो है शामिल नहीं था, तो आपको बताना है शामिल जो नहीं था, तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था, तो कौन सा ये जो है बागान जो है उद्योगों में शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, रबड़ जो था ये शामिल नहीं था 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागानों में बागान उद्यानों में जो शामिल नहीं था, क्या नहीं था, रबड़ जो था नहीं था, ये आंसर आपका क्या राइट है। 8 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।